जी ने आज जो बैठक टीम 11 की आयोजित की, उसमें सर्वप्रथम जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं उनको रोजगार व्यापक रूप से दिलाए जाने के लिए कार्य योजना पर विशेष रूप से आज बल दिया। उनके द्वारा मनरेगा, एमएसएमई, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी, खाद, गौ आश्रय स्थल को जोड़ने, दुग्ध समितियों को जोड़ने और अब समय आ गया है पौध नर्सरियों में भी कार्य है श्रमिकों का और कामगारों का, उनको जोड़ने के लिए जो है एक विस्तृत कार्य योजना का निर्देश उन्होंने दिया है। और इसी के तहत जो है आज सर्वप्रथम उन्होंने चर्चा भी की और उस पर समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी संचालित औद्योगिक इकाइयां हैं उनके माध्यम से प्रत्येक दशा में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें कामगारों को रोजगार जो है मिले और उससे जो है लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। एक चीज मुझे बताने में खुशी है कि लॉकडाउन 3 के अंतर्गत अब तक जो है उद्योग विभाग के माध्यम से जो कार्य हुआ है लगभग 60,000 औद्योगिक इकाइयों में से 54,000 औद्योगिक इकाइयां जो है 631 करोड़ तनख्वाह अब तक बांट चुकी है। वेतन का जो है वितरण 600